तो कहानी की शुरुआत में हम एक लाल बालों वाली लेडी को देखते हैं, जिसके पास ईयरविग नाम की उसकी छोटी सी एक बेटी होती है। वो अपने बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से कहीं भाग रही थी, क्योंकि उसका पीछा एक पीली कलर की कार कर रही थी। वो लेडी किसी भी तरह उस कार से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो कार उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसीलिए उसने उस कार पर अपना मैजिक किया और आखिरकार वो किसी तरह उस कार से अपना पीछा छुड़ा लेती है। और उसके बाद वो लेडी एक चिल्ड्रेन ऑर्फनेज होम के बाहर आती है और वहाँ पर वो ईयरविग से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ पर अकेले रहना होगा। और फिर इसके बाद वो वहाँ पर एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब ईयरविग रोने लगती है तो वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम मैट्रोन होता है, वो बाहर आकर ईयरविग को शांत कराने लगती है। और तभी मैट्रोन की असिस्टेंट ईयरविग के पास पड़े वो लेटर पढ़ने लगती है। लेटर में उसकी मॉम ने लिखा था कि वो 12 बुरे विचेस से अपना पीछा छुड़ा रही है, और जब तक वो उन विचेस से हमेशा के लिए अपना पीछा नहीं छुड़ा लेती तब तक ईयरविग को उन्हें ही संभालना होगा, और वो अपना काम बहुत ही जल्द खत्म करके उसे लेने भी आएगी। ये सब पढ़कर मैट्रोन की असिस्टेंट की तो होश ही उड़ जाती है, और वो मैट्रोन से कहती है कि अगर इस बच्ची की माँ का संबंध उन 12 विच से है तो जरूर ये बच्ची भी एक विच होगी। लेकिन यहाँ पर मैट्रोन उसकी बात सुनकर उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में विच जैसी कोई चीज नहीं होती। अब मैट्रोन ईयरविग को वहाँ पर सबसे मिलवाती है और फिर वो उसका नाम बदलकर एरिका रख देती है। अब यहाँ से हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात में एरिका और उसके कुछ दोस्त भूत के कपड़े पहनकर शमशान में जाते हैं, जहाँ मिस्टर जेंकिंस उन्हें देखकर बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब एरिका और उसकी दोस्त कस्टर्ड टावर के छत पर आते हैं, जहाँ पर कस्टर्ड एरिका से कहती है कि अगर तुम्हें कोई फैमिली अडॉप्ट करेगी तो क्या तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से चली जाओगी। इस पर एरिका उससे कहती है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और ये दोनों वहीं पर ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन जब मैट्रोन अपने असिस्टेंट से पूछती है कि कल रात को बच्चे भूत के कपड़े पहनकर शमशान में कैसे गए, जिस पर वो असिस्टेंट कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन अब एरिका मैट्रोन के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि कल रात को वो बाहर गई थी क्योंकि आज किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाने वाला है, और इसीलिए उन बच्चों ने फेयरवेल की पार्टी रखी थी जिसमें एरिका मैट्रोन को इनवाइट करने वाली थी, मगर वो किसी काम से बाहर गई थी इसीलिए वो उसे कह नहीं पाई। एरिका की ये सब बात सुनकर मैट्रोन थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो एरिका से बहुत प्यार करती थी। अब थोड़ी देर बाद कुछ फैमिली वहाँ के बच्चों को अडॉप्ट करने आई थी, और उन्हीं में दो विच भी बाकी फैमिली की तरह ही बच्चों को अडॉप्ट करने आई थी। मैट्रोन और उसकी असिस्टेंट उन विच को पहचान नहीं पाते। वो विच सभी बच्चों से मिलकर आखिर में एरिका को अडॉप्ट करने के लिए चूज करते हैं, मगर एरिका उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन मैट्रोन के काफी समझाने पर आखिर में एरिका उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। और फिर वो उन दोनों विच के साथ वहाँ से चली जाती है। उसको वहाँ से जाता हुआ देखकर वहाँ के बच्चे और मैट्रोन काफी दुखी थे। दोस्तों, अगर आप भी अपने टूटते हुए बालों से परेशान हो और अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाल हेल्दी और शाइनी बने रहे, तो इसके लिए मैन मैटर्स लेकर आया है गमीज के रूप में हेयर विटामिन सप्लीमेंट्स, जो कि च्यूएबल है। इसके सिर्फ एक गमी के अंदर 20 अंडों के बराबर बायोटीन मौजूद है, जो कि बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। ये टेस्ट में भी बहुत सही है और ढेर सारी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, जैसे कि बायोटीन, जिंक और मल्टी विटामिन लाइक ए, सी एंड ई। सबसे अच्छी बात कि ये सेफ टू कंज्यूम है, विथ जीरो साइड इफेक्ट्स, शुगर फ्री, 100% वीगन एंड जिलेटिन फ्री, और आपके डाइट में जो गैप आ जाते हैं उनको ये अच्छे से पूरा कर देता है। ये खाने में भी बहुत आसान है, आपको डेली सिर्फ एक गमी लेना है और 2-3 महीने के अंदर ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि हेयर ग्रोथ, बियर्ड ग्रोथ, बाल लंबे और स्ट्रांग हो जाएंगे, बाल पतले होने से बचेंगे, सफेद और टूटने से भी बच जाएंगे। ये बालों में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हेयर एजिंग होने से रुकती है। साथ ही साथ मैन मैटर्स ब्रांड में हेयर के अलावा स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग्स और हाइजीन से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये मेंस के लिए एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक ही है, जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस इशू के लिए सर्टिफाइड डॉक्टर से आपको ऑनलाइन फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन मिलेंगे। तो अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हो तो इन हेयर गमीज को अपने डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करना, और इससे पहले कि देर हो जाए अपने बालों की केयर करना शुरू कर दो। इस हेयर गमीज के लिंक और कूपन कोड दोनों ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाओ और अभी ऑर्डर करो। कुछ देर के बाद एरिका उन दोनों विच के घर पहुंच जाती है, जहां वो जाते के साथ ही भागने के रास्ते देखने लगती है, ताकि जब भी वो चाहे वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास चली जाए। मगर घर के अंदर जाते ही सभी दरवाजे अपने आप ही बंद हो रहे थे। ये सब देखकर एरिका काफी हैरान थी,
घर के अंदर एक विच जिसका नाम बेला यागा था, वो एरिका को बताती है कि वो दोनों ही विच हैं और हमने तुम्हें इसीलिए अडॉप्ट किया था कि तुम हमारा काम कर सको। इस पर एरिका बिना डरे ही उससे डील करती है कि इसके बदले में वो उसे मैजिक सिखाएगी। अब बेला यागा एरिका को अपनी असिस्टेंट बना लेती है और जिसके तुरंत बाद ही वो उसे काम पर भी लगा देती है और वो उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम कभी भी मैंड्रेक को डिस्टर्ब नहीं करोगी। मैंड्रेक का नाम सुनकर एरिका कहती है कि वही मैंड्रेक ना जिसके सर पर सींग उगे हैं। इस पर बेला यागा उसे बताती है कि उसके सर पर तभी सींग उगे होते हैं जब वो गुस्से में होती है और इसीलिए तुम उससे दूर ही रहना। अब बेला यागा एक किताब से पढ़कर कुछ टोटका बना रही होती है जिसके बारे में एरिका उससे बार बार सवाल पूछ रही थी, मगर वो उसके बारे में कुछ भी उसे बता नहीं रही थी। और फिर जब वो अपने कॉल पर बात कर रही होती है तभी एरिका जल्दी से उस किताब में अपने काम का कुछ देखने लगती है, मगर उस किताब में उसे उसके काम का कुछ भी मिलता नहीं। उसी रात में एरिका बेला यागा को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देख लेती है, लेकिन तभी वो दरवाजा गायब हो जाता है। तो एरिका उसके सामने वाले कमरे में जाती है जहाँ से बेला यागा बाहर निकली थी। उस कमरे में बहुत सारी किताबें थी। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक लाइब्रेरी है। एरिका वहाँ के एक टेबल पर से एक लेटर उठाकर पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके सर पर एक किताब गिरती है, लेकिन वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी एक बार फिर से उसके सर पर एक और किताब गिरती है, जिसके बाद जब वो ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारी किताबें गिरने वाली थी। तो जल्दी से एरिका वहाँ से दूर होती है। अब वो एक और कमरे में जाती है जहाँ उसे वही येलो कार दिखाई देती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब उस कार में उसे ईयरविग नाम की एक बुक और रेडियो मिलता है जिसे लेकर वो उस कमरे से बाहर आती है। और जब वो उस घर से बाहर जाने का दरवाजा देखती है तो वो गायब हो गया था। लेकिन एरिका अब यहाँ से भागना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ की खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और इसीलिए अब वो शांति से सो जाती है। अगले दिन बेला यागा उसे खाना बनाना सिखा रही थी ताकि वो उनके लिए हमेशा खाना बना सके, मगर एरिका का उसकी बातों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं था। वो उससे पूछती है कि आपका बेडरूम कहाँ पर है, लेकिन बेला यागा उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर जब बेला यागा एक बार कपड़े सुखा रही थी तभी एरिका को वहाँ से भागने का रास्ता मिलता है और इसीलिए वो उस गेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो बीच में ही फंस जाती है और पीछे से बेला यागा उसे बताती है कि तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी क्योंकि इस घर के चारों ओर मैंड्रेक के गार्ड हैं। एरिका ये बात जानकर कहती है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो सबसे पहले मैंड्रेक को कंट्रोल करना होगा। और इसके बाद एरिका जब भी बेला यागा से मैजिक सिखाने को कहती तब वो हमेशा ही उसे कोई ना कोई काम ही दे देती, जिसे देखकर एरिका को जल्दी समझ आ जाता है कि बेला यागा उसे कभी भी मैजिक नहीं सिखाने वाली। अब एरिका एक बार जब अपने कमरे में जा रही होती है तभी वो छुप करके मैंड्रेक का मैजिक देखती है और वो कमरे में आकर बैटरी को ढूंढने लगती है ताकि वो उस रेडियो को ऑन कर सके। कुछ देर ढूंढने के बाद एरिका को बैटरी मिल जाती है जिसके बाद वो तुरंत ही उस रेडियो में बैटरी लगाती है। तभी एरिका के कमरे का दरवाजा खोलकर थॉमस नाम का एक काला बिल्ला आता है जो कि बेला यागा का पालतू था, लेकिन अब वो एरिका से काफी घुल मिल गया था क्योंकि बेला यागा उन दोनों से बहुत काम करवाती थी। अब एरिका जब वो रेडियो ऑन करती है तो उसमें एक गाना चल रहा था। अब ये गाना एरिका को काफी पसंद आता है इसीलिए वो उसे अगले दिन भी सुनती है। और वो गाना सुनते सुनते ही मैंड्रेक की ड्राइंग कर रही थी और फिर उस पन्ने को फाड़कर दीवार पर फेंक देती है जिससे उस दीवार पर रेड कलर का कुछ बनता है जो एरिका के समझ में नहीं आता। तो थॉमस उसे बताता है कि ये सब मैंड्रेक कर रहा है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और इस दीवार के दूसरी ओर उसी का कमरा है। थॉमस को बोलता हुआ देखकर एरिका काफी खुश होती है। अब इसके बाद थॉमस एरिका को बताता है कि तुम्हें जो टोटका चाहिए वो उस किताब के आखिरी पन्ने पर मिलेगी। इसके बाद थॉमस एरिका को बेला यागा की उस किताब के पास ले आता है और एरिका से उसके आखिरी पन्ने से वो टोटका ढूंढने को कहता है और बहुत जल्दी एरिका को वो टोटका मिल भी जाता है। वो टोटका किसी भी जादू टोने से बचने के लिए था, इसीलिए एरिका थॉमस के कहने पर उस टोटके को बनाने लगती है। उस टोटके के बनने के बाद कुछ ऐसे मंत्र पढ़ने थे जो कि उस किताब में नहीं थे, लेकिन थॉमस ने वो मंत्र बेला यागा से सुना हुआ था, इसीलिए अब वो उस मंत्र को याद करता है और एरिका से उसे बोलने को कहता है, जिसके बाद उस टोटके में मैजिक होता है। ये देखकर थॉमस हंसने लगता है क्योंकि उसे वो मंत्र याद नहीं थे, मगर फिर भी वो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है जिससे मैजिक भी हो जाता है। ये सुनकर एरिका उस टोटके को सबसे पहले थॉमस के ऊपर ही लगाती है और उसके बाद वो उसे अपने बॉडी पर लगाती है। अब अगले दिन एरिका बेला यागा से मैजिक खाने को लेकर उससे बहस करने लगती है, लेकिन बेला यागा उसे साफ साफ मना करते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने काम करने के लिए लाया है, ना कि तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए। अब इसके बाद मैंड्रेक एरिका को लंच में अपनी फेवरेट डिश देते हैं, जो देखकर एरिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब बेला यागा जब घर से बाहर जाती है तो एरिका और थॉमस मिलकर एक और टोटका बना रहे थे, लेकिन रेडियो की आवाज सुनकर वहाँ पर मैंड्रेक आ जाता है,
जिसे देखकर थॉमस डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाता है। मगर मैंड्रेक यहाँ पे एरिका को डराने नहीं बल्कि उसके लिए तो खाना लेकर आया था। इसके अलावा वो एरिका से अब अच्छे से बात भी कर रहा था। अब एरिका उस टोटके को पूरी तरह से बनाने लगती है जो असल में एक डॉल था। लेकिन अब इस टोटके को पूरा करने के लिए उन्हें बेला यागा के बाल चाहिए थे, लेकिन एरिका को तो उसका कमरा पता ही नहीं था और इसीलिए अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि उन्हें बेला यागा का बाल कहाँ से मिल सकता है। तभी घर पे बेला यागा लौट कर वापस आ जाती है तो एरिका उस डॉल को अपने बेडरूम में छुपा देती है। अब एरिका सोचती है कि अगर मैंड्रेक का कमरा इस दीवार के उस पार है तो हो सकता है कि बेला यागा का भी कमरा वहीं हो। ये पता करने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर से दीवार में होल करती है और उस होल से वो मैंड्रेक का कमरा देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर सिर्फ मैंड्रेक ही दिखाई देता है जो कि बैठकर पियानो बजा रहा था। अब अगले दिन जब एरिका बेला यागा की कैप में उसका बाल देखती है तो वो देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर वो उसके बाल को बहुत ही संभाल कर रख देती है। अब जैसे ही एरिका उस डॉल पर वो बाल लगाती है वो टोटका काम करने लगता है, लेकिन बेला यागा को कुछ भी समझ में नहीं आता तो एरिका उसे बताती है कि तुम्हें हमेशा से काम करने के लिए दो हाथ चाहिए थे जो अब तुम्हें मिल चुके हैं। एरिका की इस बात से बेला यागा समझ जाती है कि इस शरारत के पीछे उसी का हाथ है, इसीलिए अब वो मैजिक से एरिका को उसके बेडरूम में बंद कर देती है और उसे खिलाने के लिए कुछ कीड़े मंगवाती है। ये सुन के थॉमस डर जाता है तो एरिका उसे समझाती है कि हमने जादू टोने से बचने के लिए वो टोटका अपने बॉडी के ऊपर लगाया था जिससे अब हमें कुछ भी नहीं होगा, पर तभी उसकी वो डॉल टूट जाती है जिसे देखकर एरिका समझ जाती है कि अब ये टोटका काम नहीं करेगा। और तभी मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, लेकिन जादू टोने से बचने के उस टोटके की वजह से वो कीड़े एरिका को कुछ भी नहीं करते, जिसके बाद एरिका उन कीड़ों को छुपाने के लिए वो सारे कीड़े मैंड्रेक के कमरे में छोड़ देती है, जिसके तुरंत बाद ही मैंड्रेक गुस्से से कमरे के बाहर आता है और अब वो पूरी तरह से विच के फॉर्म में आ गया था। उसे पता था कि इन कीड़ों के पीछे बेला यागा का हाथ है, इसीलिए वो उसके पास जाता और उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है। तो बेला यागा भागकर एरिका के पास आती है और उसे इसके लिए डांटने लगती है, लेकिन तभी वहां पर मैंड्रेक आ जाता है तो एरिका बेला यागा को आगे ढकेल कर खुद ही मैंड्रेक के सीक्रेट कमरे में चली जाती है। वहां पे एरिका कुछ फोटोज देखती है जो कि काफी पुरानी लग रही थी, जिसमें मैंड्रेक और बेला यागा के साथ उसकी मॉम भी थी, लेकिन एरिका को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर तभी एरिका के पीछे मैंड्रेक आ जाता है, लेकिन अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था, इसीलिए वो एरिका से अच्छे से बात करते हुए कहता है कि मैंने बेला यागा को समझा दिया है और अब वो तुम्हें आगे से परेशान नहीं करेगी, इसके अलावा अब वो तुम्हें अपना असिस्टेंट भी बनाएगी। ये सुनकर एरिका काफी खुश हो जाती है। इसके बाद एरिका मैंड्रेक से लाल बालों वाली लेडी के बारे में पूछती है तो मैंड्रेक उसे इतना बताता है कि वो विच हमें छोड़कर कहीं चली गई है, और इतना कहते ही वो एरिका को उसके कमरे में भेज देता है। अब एरिका अपने बेडरूम की खिड़की खोली देखती है, लेकिन अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अब वो बेला यागा के पास जाकर उससे मैजिक सिखाने को कहती है, मगर इस पर वो उससे कुछ कहती नहीं तो एरिका उसके गले लगकर कहती है कि मुझे मैंड्रेक ने बताया कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसीलिए मुझे भी बड़े होकर आप ही की तरह बनना है। ये सुनकर बेला यागा इमोशनल हो जाती है और अब वो एरिका को अपना टैलेंट दिखाती है। और अब इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें एरिका बताती है कि अब वो मैंड्रेक और बेला यागा को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो दोनों अब एरिका की बात मानते हैं और अब तो मैंड्रेक एरिका को उसके असली नाम इयरविक नाम से पुकारता है, और इसके अलावा अब मैंड्रेक के वो सारे मॉन्स्टर भी इयरविक का हुक्म मानते हैं। अब इयरविक मैंड्रेक और बेला यागा के साथ उस येलो कार में बैठकर पिकनिक पर जाती है, जिसके लिए बेला यागा 6 महीने पहले मान नहीं रही थी। लेकिन अब पिकनिक से वापस आने के बाद भी इयरविक खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी दोस्त कस्टर्ड को भी वहाँ बुलाना चाहती थी, मगर कस्टर्ड मैंड्रेक से बहुत ज्यादा डरता था और इसीलिए वो वहाँ पर आ नहीं रहा था। लेकिन क्रिसमस के दिन कस्टर्ड अपनी हिम्मत जुटाकर इयरविक को गिफ्ट देने आता है, पर अभी भी वो घर के अंदर जाने से डर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर इयरविक की मॉम आती है और इयरविक को पुकार कर उसका गिफ्ट देती है, और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।